नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कम्प्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंदौर की। छिप्रा की सहायक नदी सरस्वती और कान्हा धाराओं पर स्थित इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे फेमस शहर है, जो शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरे इस शहर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जो मालवा का सबसे बड़ा शहर और देश के सबसे साफ सुथरा, लोगों की सफाई के प्रति जागरूकता और समर्पण की मिसाल है इंदौर, जो देश के रहने लायक शहरों की टॉप 10 सूची में भी शामिल है। और इंदौर शहर में कई ऐतिहासिक महल और मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध रजवाड़ा महल और खजराना गणेश टेम्पल है, जो शहर को दुनिया भर से अलग पहचान दिलाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप इंदौर कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से अप्रैल तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान इंदौर में घूमने का मजा कुछ और ही होता है। इसलिए अधिकतर टूरिस्ट इंदौर को इन्हीं महीनों के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। वहीं अगर आप मई और जून में यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे गर्मियों के सीजन में आपको घूमने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और वहीं अगर आप वाटरफॉल और वाटर एक्टिविटीज का आनंद लेना चाहते हैं तो आप बरसात के ऋतु में भी इंदौर जा सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंदौर को किस सीजन में विजिट करना पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहां पर आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, मेटल्स में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं, जिसको यूज करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और सीखने के बाद आप यहाँ पे रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अप और डाउन में प्रेडिक्शन करना है। अगर आपका अंदाजा यहाँ पे सही होता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। तो लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से आप जाकर के साइन अप कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप इंदौर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो इंदौर शहर में ही आपको इंदौर जंक्शन देखने को मिलेगा, और यह रेलवे स्टेशन नागपुर, जोधपुर, गांधीनगर, हावड़ा, पटना, लखनऊ, देहरादून और दिल्ली आदि जैसे शहरों से काफी अच्छी तरीके से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन के बाहर से आप बस और टैक्सी की सुविधा लेकर के इंदौर में जहां जाना चाहते तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से इंदौर जाना चाहते तो यहां का नजदीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून आदि जैसे कई शहरों से एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा जुड़ा हुआ है, जहां से आप इन शहरों के एयरपोर्टों से इंदौर तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से इंदौर शहर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, और यहाँ से आप बस और टैक्सी की सुविधा लेकर के इंदौर के विभिन्न स्थानों तक पहुँच सकते हैं। और यदि आप बस से इंदौर जा रहे हैं तो इंदौर जाने के लिए आपको दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, मुंबई, राजस्थान और देहरादून आदि जैसे शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जहां से आप इन शहरों से बस पकड़ के डायरेक्ट इंदौर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके शहर से इंदौर की दूरी काफ़ी अधिक है तो आप अपने शहर से इंदौर जाने के लिए बस नहीं बल्कि ट्रेन या फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की तुलना में बस का सफर करने पर अधिक समय और अधिक थकान भी आपको लग सकती है। इसके अलावा आप इंदौर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां की सड़कें हर एक शहर से काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, इसलिए आप अपने शहर से भी सड़क मार्ग द्वारा इंदौर पहुंच सकते हैं। और इंदौर का सफर करने के लिए आपके बाइक और कार की कंडीशन काफी अच्छी होनी चाहिए, ताकि चलते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अब बात करें कि आप इंदौर में कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक कई सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस लगभग 1,000 से 1,700 रुपए तक होता है, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि इंदौर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप जिस होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो यहाँ पर बहुत सारे और भी होटल और रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लगभग 150 से 200 रुपए तक में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप इंदौर में कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले रजवाड़ा पैलेस को घूम सकते हैं। इंदौर के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक इस पैलेस को होलकर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है।
जाता है और इस महल का निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी से पहले होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के द्वारा किया गया था, जो एक 7 मंजिला संरचना है और इस पैलेस में प्रवेश करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही होता है। इसके साथ ही आप यहाँ खजराना गणेश टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और शहर के मध्य में स्थित इस मंदिर में दर्शन करने बहुत से श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे पहुँचते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी कामना करता है तो भगवान गणेश उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इसके साथ ही साथ इस शहर में आप बड़ा गणपति मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में इनकी लगभग 25 फीट लंबी ऊंची मूर्ति है, जिसे दुनिया में हिंदू भगवान की सबसे बड़ी गणपति मूर्ति माना जाता है और यही भव्य मूर्ति के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं। और इस मंदिर का नाम बड़ा गणपति मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यह दुनिया में भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके अलावा आप यहाँ पाताल पानी वाटरफॉल भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। इंदौर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह झरना 300 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, जो एक बहुत ही खास दृश्य प्रस्तुत करता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी पाताल तक पहुंचता है और नेचर लविंग लोगों के लिए यह एक आदर्श लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर आप सभी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप यहां मेघदूत गार्डन भी घूम सकते हैं। इंदौर के सबसे पुराने उद्यानों में से एक यह गार्डन प्रकृति दर्शकों के लिए एक बेहतरीन जगह, शांत वातावरण के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन खास तौर पर बच्चे इस जगह को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए कई आकर्षक मौजूद है जो इसे इंदौर में पूरी तरह से एक अलग स्थान बना देती है। इसके अलावा आप इंदौर के 56 दुकानें विजिट जरूर करें। इंदौर के इस प्रसिद्ध 56 दुकानों में कुल 56 दुकानें हैं, जहां पर आपको भारत के अलावा अलग अलग जगहों का व्यंजन खाने को मिलता है और यह दुकान आमतौर पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही खुला रहता है, जहां की रौनक शाम के समय देखते ही बनती है। वहीं यहां के जायकों का भी चर्चा पूरे भारत में किया जाता है। यहां के पोहे की बात की जाए या फिर खट्टे समोसे की, तो इनके दीवाने आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के सितारे भी हैं। अगर आप इंदौर जा रहे हैं तो इंदौर के सराफा बाजार जाना ना भूलें, क्योंकि इसका सराफा बाजार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सुबह तो यहां पर सराफा बाजार लगता है, लेकिन रात के 9 बजे से रात के 2 बजे तक यहां पर चौपाटी लगता है। बिल्कुल मुंबई की चौपाटी की तरह यहां पर आप सभी को बहुत तरह तरह के चाट व्यंजन खाने को मिलेंगे, तो अगर आप चाट व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे जरूर जाएं और यहाँ के चाट का आनंद जरूर उठाएं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारे जगह हैं इंदौर में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं, जैसे चोरल डैम रिसोर्ट, कांच मंदिर, गुलावट लोटस वैली, सीचा आइलैंड, थीम पार्क, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, गांधी हॉल, सेंट्रल म्यूजियम आदि, जैसे यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और दोस्तों, इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप यहाँ पर स्कूटी हायर कर सकते हैं, जिसका मिनिमम प्राइस लगभग 400 रुपये पर डे होता है। और यहाँ स्कूटी हायर करने के लिए आपके पास DL और आधार कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करें कि इंदौर को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। वैसे तो यहाँ पे घूमने में आपका कुल खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपए तक हो सकता है, लेकिन ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप इंदौर में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। और दोस्तों, इस खर्च में मैंने आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और बस की टिकट ऐड नहीं की है, क्योंकि ये खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं कि आपके शहर से किस राज्य से इंदौर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे नई नई मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।